खड़ा करने के बाद दो पॉइंट अपने तरफ एक और एक पॉइंट आगे रहे। हाँ तो वही नजर आएगा ना, जहाँ क्रॉस से अटैच मिलेगा वहीं पर रीडिंग आएगा। रीडिंग वाला रहेगा हां, लेग ट्राइपॉड का दो लेग अपने तरफ रखेंगे और एक जो रहेगा सामने रहेगा। अब हम चेक करेंगे ट्राइपॉड का लेवल, का मतलब बिना ऊपर देले आ जाएगा। कलम दीजिए हम जाएगा नहीं बुझाएगा ना, आप रीडिंग चेक कर लीजिए। एक कलम दीजिए हमको, अब इसका चेक कर लीजिए आप नहीं बुझाइएगा। नहीं नहीं, इस पेन से मेरा दम बिल्कुल लेवल है ट्राइपॉड स्टैंड। अब हम इस पे फिक्स करेंगे अपने ऑटो लेवल। ऑटो लेवल पकड़ भाई जी, ऑटो लेवल लाइए तो जी। ऑटो लेवल जी, ऑटो लेवल दीजिए सर। ऑटो लेवल लाइए, ऑटो लेवल का पहले हम पूरा तीनों स्क्रू को 50% से फिर नहीं कस देंगे, कसा रहेगा टाइट कर लीजिए। ये कितना हो रहा है जी, ये हमारा ऑटो लेवल का जो तीनों स्क्रू है ये पूरा। इसके बारे में मिस्टर पंजी डिस्कस किए ना कि उसको 90 डिग्री से रोटेशन, इसको जो है ना ब्रिक वर्क चेक करने के लिए बताए कैसा रहेगा 100%। इसको पहले हम ट्राइपॉड में इसको फिक्स कर लेंगे। आप हाथ में लेके कहीं गए थे क्या? ऊपर से देखिए तो हमने ऊपर में सबसे ऊपर में ट्राइपॉड थोड़ा आप देख के आइए तो बराबर। इसको फिक्स करने के बाद दो स्क्रू को अपने तरफ रखेंगे, इंग्लिश में सब कुछ लिखा है। और इसको हम क्या करेंगे फिर इसको 50% ओपन कर लेंगे अपने अंदाज से। 50% ओपन करने के बाद सिंपू जी आइए ना इधर। यस यस, 50% ओपन कर लेंगे और डायरेक्शन एक फिक्स करेंगे। मेरा अब पहले बबल चेक करेंगे कि किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट राइट आगे पीछे। तो हमारा बबल एक डायरेक्शन में फिक्स है, अब डायरेक्शन में फिक्स है। अब हम क्या करेंगे, हमको ये हमारा इधर अप है, इधर अप है तो इधर से आप दिखाइए ना, ये अब दिखाइए इधर हमारा, इसको ऐसे खड़ा कीजिए। हाँ अप है तो इस दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो इधर उधर आप है तो इसको करेंगे ना, इसको करिए ना, इसको रोटेट करिएगा। उधर आप है तो इधर इसको उठाइएगा। हाँ उठाएंगे कि डाउन करेंगे, वो इधर उठाना है ना, इधर तो ऑलरेडी उठा हुआ है। तो इसको हम अप करेंगे तो हमारा बबल ये आ गया बिल्कुल। वाह जी, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, उतना ही पर इधर आ रहा है उसको सेंटर में आ गया। अभी सेंटर में इधर वाला एडजस्ट करिए, ये हमारा बिल्कुल जो है नहीं अभी नहीं, अब इधर आ गया तो इसको करिए छोड़ दीजिए। अब फोटो अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है।